मेरा कवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज हेडलाइंस। कनाडा में गैर मुल्कियों के जायदाद खरीदने पर पाबंदी में 2 साल की तोसी। कैनेडियन वजीर खजाना का कहना है कि तोसी वफाकी हुकूमत के इक्तसादी मंसूबे का एक हिस्सा है, कैनेडियनों के लिए रहाइश को मजीद सस्ता बनाया जा सकेगा। 20 सालों के दौरान 15% से ज्यादा तारकीन वतन कैनेडा छोड़ गए। माहरीन के मुताबिक इस अरसे में मुल्क छोड़ने वाले तारकीन वतन की तादाद हैरान कुन है। कैनेडा छोड़ने वालों में हुनरमंदों की बड़ी तादाद शामिल है। यमन में अमेरिका और बरतानिया की कार्रवाई, हौसियों का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जुमान हौसी फौज का कहना है कि अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसराइल और इसके इत्तेहादियों के जहाज़ों पर भी हमले जारी रहेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। लॉन्ड्री इज नो लॉन्गर अ हैसल। Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. Welcome back. अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के बाद कनाडा ने भी मकबूजा मगरबी किनारे में आबाद कारों पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका, फ्रांस और यूरोप के बाद कनाडा ने भी मकबूजा मगरबी किनारे में आबाद कारों पर पाबंदी लगाने की तैयारी कर ली। कनाडा की वजीर खारजा मेलानिया जूली ने कहा है कि कनाडा मगरबी किनारे में तशद्दुद को हवा देने वाले इजरायली आबाद कारों पर पाबंदी आयद करेगा और हमास के रहनुमाओं पर नई पाबंदियां मुतारिफ कराएगा। अमरीका की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। मिलानी जूली ने कहा कि कनाडा लड़ाई को ख़त्म करने और तवील मुद्दती हल की तरफ काम करने का रास्ता तलाश करने के लिए मसरूफ़ अमल है। सबसे पहले और सबसे अहम, हमें यरगमालियों की रिहाई यकीनी बनाने की ज़रूरत है। हमें गजा में मज़ीद इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। जूली ने कहा कि तवील मुद्दती अमन को मुमकिन बनाने के लिए दोनों तरफ से तब्दीली की ज़रूरत है। हमें एक इस्लाह शुदा फलस्तीनी अथॉरिटी की ज़रूरत है। हमें इसराइल में एक ऐसी हुकूमत की भी ज़रूरत है जो इस दो रियासती हल के लिए अहम काम करने के लिए तैयार हो। जुमेरात को अमरीका ने मकबूजा इलाके में तशद्दुद में मुलविस होने के इल्ज़ाम में 4 इसराइली आदमियों पर पाबंदी लगा दी। एक इंटरव्यू में जूली का कहना था कि आबाद कारों पर पाबंदी के हवाले से हम फाल तौर पर काम कर रहे हैं, कुछ आबाद कारों पर पाबंदी लगाई जाएगी और हम हमास के रहनुमाओं पर भी नई पाबंदियां लाएंगे। जूली ने यूक्रेन के बारे में बात करते हुए कहा, हम इस पर सरगर्मी से काम कर रहे हैं। मैं इस बात को यकीनी बना रही हूं कि जब यूक्रेन में हूं तो काम ओटावा में होता रहे और मैं जल्द ही एक ऐलान करने के मुंतजिर हूं। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने कहा था कि वो मगरबी किनारे में इंतहा पसंद आबाद कारों पर पाबंदियाँ आयद करने पर गौर कर रहे थे। कनाडा की वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत कनाडा के रिहायशी मकानात की गैर मुल्की मलकियत पर अपनी मौजूदा पाबंदी में मजीद 2 साल की तौसी कर रही है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा की वजीर खजाना क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने ऐलान किया है कि वफाकी हुकूमत कनाडा के रिहायशी मकानात की गैर मुल्की मलकियत पर अपनी मौजूदा पाबंदी में मजीद 2 साल की तौसी कर रही है। फ्रीलैंड, जो नायब वजीर आजम भी हैं, ने एक बयान में कहा कि यह तौसी वफाकी हुकूमत के इक्तिसादी मनसूबे का एक हिस्सा है ताकि कैनेडियनों के लिए मकानात को मजीद सस्ता बनाया जा सके। पाबंदी फिलहाल 1 जनवरी 2025 को ख़त्म होने वाली है और इसे 1 जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया जाएगा। फ्रीलैंड ने कहा, गैर मुल्की खरीदारों पर पाबंदी को बढ़ाकर हम इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मकानात कैनेडियन खानदानों के रहने के लिए घर के तौर पर इस्तेमाल हों और कयास आरई पर मबनी मालियाती असासे की क्लास न बने। उनका कहना था कि हुकूमत मुल्क भर में कैनेडियनों के लिए रिहाइश को मजीद सस्ता बनाने के लिए तमाम मुमकिन टूल्स इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। गैर मुल्की खरीदारों पर पाबंदी जो पहली बार 1 जनवरी 2023 को लगाई गई थी,
उन खरीदारों को जो कनाडा के शहरी नहीं है या मुस्तकिल बाशिंदे मुल्क में जायदाद खरीदने से रोकती है। गैर कैनेडियंस की तरफ से रिहायशी इमलाक की खरीदारी पर पाबंदी एक्ट 2022 में हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी के खदशात को ख़त्म करने की कोशिश के एक हिस्से के तौर पर मंजूर किया गया था। गैर मुल्की पैसा सालों से कनाडा की रिहायशी जायदाद खरीद रहा है। फ्रीलैंड के बयान में कहा गया है कि मुल्क भर में हाउसिंग मार्केटों से कैनेडियनों की कीमतों से बाहर होने के बारे में तश्वीश बढ़ रही है। कनाडा के हाउसिंग बहरान से निमटने के लिए ये ताज़ा तरीन इकदाम लिबरल हुकूमत के ऐलान के एक माह बाद सामने आया है, जब वो तलबा के इजाजत नामे पर 2 साल के आर्जी हद नाफिस करेगी। स्टैटिस्टिक्स कनाडा के जरिए घर की मिल्कियत के ताज़ा तरीन दस्तियाब आदाद व शुमार से पता चलता है कि 2021 तक टोरंटो के हाउसिंग स्टॉक का 2.6% और वैनकोवर का 4.3% गैर रिहायशियों की मिल्कियत था। इतवार को फ्रीलैंड के बयान में इस बात पर जोर दिया गया है कि नया इकदाम कनाडा के खानदानों के लिए रिहायश को मजीद सस्ता बनाने के लिए टूल्स के सेट का सिर्फ एक हिस्सा है। बयान में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत जुर्रतमंदाना कार्रवाई कर रही है और हुकूमत के तमाम अहकामात के साथ काम कर रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा घर तेजी से और ज्यादा से ज्यादा कैनेडियनों की पहुंच में घर की मिल्कियत को वापस लाया जा सके। शुमारियात कनाडा की एक नई तहकीक के मुताबिक 15% से ज्यादा तारकीन वतन जो 1982 से 2017 तक कनाडा आए थे अपने दाखिले के 20 साल के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले गए। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। शुमारियात कनाडा की एक नई तहकीक के मुताबिक 15% से ज्यादा तारकीन वतन जो 1982 से 2017 तक कनाडा आए थे अपने दाखिले के 20 साल के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले गए। ये तादाद ऐसे वक्त में सामने आई है जब बैन अलाक्वामी तलबा के दाखिले पर पाबंदी लगाने के एक माह से भी कम वक्त के बाद वफाकी लिबरल इमिग्रेशन इनपुट को कम करने के लिए दबाव का सामना कर रहे हैं। शुमारियात कनाडा नोट करता है कि रवानगी के पीछे मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं। माहरीन का कहना है कि ये 3 से 7 साल कैनेडियन माशरे के मुताबिक ढालने, नौकरी तलाश करने, रहने के लिए जगह तलाश करने, आबो हवा के मुताबिक ढालने के लिए मिसाल के तौर पर कैनेडा की सर्द और सख्त सर्दियों के लिए एक माकूल मुद्दत फराहम करते हैं। माहरीन के मुताबिक इस अरसे में मुल्क छोड़ने वाले तारकीन वतन की तादाद हैरान कुन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने कनाडा में रिहायश या शहरियत हासिल की है जो मुमकिन तौर पर रहना चाहते हैं। माहरीन का कहना है कि एक मसला ये भी हो सकता है कि लेबर फोर्स में शामिल होने की कोशिश की जाए और यही वजह है कि कनाडा की लेबर फोर्स में खलह को ख़त्म करने के लिए मजीद कुछ किया जाना चाहिए। हमारे लिए हमारे पास ज़्यादा पैदावारी लेबर फोर्स है और ख़ुद नए आने वालों के लिए वो रहने के लिए ज़्यादा माइल होते हैं अगर वो अपनी ज़िंदगी की सूरत हाल से ज़्यादा मुतमईन महसूस करते हैं। आदाद व शुमार से पता चलता है कि 20 साल के अंदर हिजरत करने के लिए सरमायाकार और कारोबारी अफराद दाखिले की 2 सबसे ज़्यादा क्लासें हैं, लेकिन वो ख़ुद मुलाजमत और तारकीन वतन जिन्हें हुनरमंद कारकुन समझा जाता है टॉप 5 हिजरत करने वालों में शामिल हैं। 20% से कुछ ज्यादा 20 साल के बाद छोड़ देते हैं। माहरीन का कहना है अगर हम अपने जहनों को नहीं बदलेंगे तो हम इन मसाइल को कभी हल नहीं कर पाएंगे। तारकीन वतन हमें जो कुछ बता रहे हैं वो दरअसल है शायद आप इतने संजीदा नहीं हैं जितना आप सोचते हैं। किसी नए तारकीन वतन के वापस जाने का इम्कान दाखिले के बाद इब्तदाई चंद सालों में अपने सबसे ज्यादा इम्कान तक पहुँच जाता है, जिनके जाने का इम्कान 3 से 7 साल पहले के दरमियान होता है। ये 4थे और 5वें साल में तकरीबन 1.4% की चोटी तक पहुंच जाता है, फिर 15 साल के बाद गिरना शुरू हो जाता है जब इसके इम्कान 0.6 से 0.7% के दरमियान होते हैं। तर्जमान हौसी फौज यहिया सारिया ने कहा कि अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48 फिजाई हमले किए। हम अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों की मदद जारी रखेंगे। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। यमन में अमरीका और बरतानिया की मुश्तरका कार्रवाई हौसियों का रद्द अमल सामने आ गया। तर्जमान हौसी फौज यहिया सारिया ने कहा कि अमरीकी और बरतानवी तैयारों ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 48 फिजाई हमले किए। हम अपने मजलूम फलस्तीनी भाइयों की मदद जारी रखेंगे। यहिया सारिया ने कहा कि अमरीका और उसके इत्तेहादियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। बहीरा अहमर में इसराइल और उसके इत्तेहादियों के जहाजों पर भी हमले जारी रहेंगे। वाज़ेह रहे कि अमरीका और बरतानिया ने मुश्तरका ऐलामिये में कहा है कि यमन में फिजाई हमलों के दौरान हौसी मलेशिया के 36 ठिकानों को निशाना बनाया गया। हमलों में हौसी मिसाइल सिस्टम लॉन्चर्स और हथियारों के जखायर को तबाह किया गया। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान इमरा कवल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। Thank you.